गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल। तो हनी बनी अभी उठ गए हैं स्कूल जाने के लिए, रेडी होंगे अभी। तो अभी टाइम हो चुका है करीब 9:15 हो गया है एंड हस्बैंड जो है वो ऑफिस चले गए हैं अभी। तो मैं आज उनको ब्रेकफास्ट नहीं दिया है मैंने, कि हम लोग थोड़ा कल थक गए थे, तो थोड़ा फ्राइडे को हमारे एक फ्रेंड है जो शिफ्टिंग कर रहे हैं अपना घर, तो उनका एक बच्चा है छोटा सा, एक महीने के आए, तो वो हमारे घर में आके रुके थे। फ्राइडे शाम को आए थे और सैटरडे इवनिंग को ही गए हैं। तो घर में थोड़ी चहल पहल थी, रौनक थी, तो थोड़ा बिजी रह गई थी मैं। तो आज सुबह उठते उठते मुझे करीब 8:30 हो गया, तब तक हस्बैंड रेडी हो चुके थे। और वैसे भी वो ज़्यादा कुछ ब्रेकफास्ट करते नहीं है, कि फ्रूट लेके चले जाते हैं, बट मैं उनको टिफ़िन ज़रूर देती हूँ, बट आज मैं टिफ़िन भी नहीं दे पाई। सो देखती हूँ वो आज कुछ बाहर ही खा लेंगे, क्योंकि कल से जो है वो रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, रमज़ान का महीना, तो कल से तो लंच ज़रूर ही देना है, नहीं तो फिर बाहर कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए। सो चलती हूँ अभी, मैं थोड़ी सी लंच की प्रिपरेशन कर लूँगी, क्योंकि बच्चों को रेडी करने के बाद फिर मैं स्कूल छोड़ के आने के बाद लंच बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, फिर बच्चों का काम ख़त्म करके मुझे थोड़ा बहुत कुछ काम भी है मार्केट में, तो फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। जो मिक्स दाल बनाऊँगी, तो मिक्स दाल के लिए मैं यहाँ पे ये मूंग दाल, साबुत मूंग, वो मैं ले रही हूँ करीब 3/4 कप। देन मैं थोड़ा सा ही मैं साबुत उड़द दाल ले रही हूँ। देन मैं मसूर दाल भी यूज़ करूँगी, मसूर दाल भी मैं वही 2/4 के आसपास ले रही हूँ। देन हम इसमें थोड़ा सा राजमा यूज करेंगे, राजमा, और जो है हम जो दूसरा वाला या ऑरेंज वाला मसूर दाल होता है, ये वाला, ये हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो ये बना लूँगी, प्लस बच्चों के लिए फिश फ्राई बना लूँगी, सिंपल सा ही लंच करेंगे, क्योंकि अभी वीकेंड में थोड़ा हेवी खाना होता ही है। आज संडे है और संडे तो आज यहाँ पे मंडे ही होता है, आप लोगों को जैसे पता है आज से ही वीक स्टार्ट होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा लाइट रखूँगी मैं आज। सलाद और दही के साथ ही हम लोग ये लंच कर लेंगे। वो हैप्पी संडे फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल ऑफ यू, जो भी इंडिया पाकिस्तान और जिनका भी आज हॉलीडे है। तो संडे तो वैसे सब लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, बट हमारे लिए आज मंडे है, थोड़ा लेजी फील होता है। ये देखिए बर्तन अभी तक साफ होके पड़े हैं, मैंने रखे नहीं हैं। तो दाल अभी भिगो के फिर बेबीज़ का काम ख़त्म करके फिर हाँ लंच बनाऊँगी मैं। तो ये जो दाल है इसको मैं अभी भिगो दूँगी, उसके साथ सिंपल सा एक राइस बना लेंगे, बस हो जाएगा हमारा लंच। शाम को देखूंगी कुछ और बनाना होगा तो बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं है, हम लोग कल थोड़ा बिजी रह गए और शाम को एक बर्थडे पार्टी भी थी, जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा। तो उस चक्कर में हम लोग ने कुछ भी वेजीज हम नॉर्मली सैटरडे को लेते हैं पूरे हफ्ते के लिए, जो लेना होता है थोड़ा बहुत, तो नहीं लिया, तो मैं आते टाइम ले आऊँगी। तो यही है बस, तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद।
सो अराउंड 11:45 हो गया है। सो मैं अभी थोड़ा बहुत शॉपिंग करके लेके आई हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और इतना सारा सामान उठा उठा के लाने में मेरी हालत निकल गई। तो पहले तो मैं सबको जो भी उड़ीसा से हैं या जो जिनके भी रिलेटिव्स या पेरेंट्स जो भी उड़ीसा में रहते हैं, तो होप दे ऑल आर फाइन, क्योंकि कांटेक्ट तो नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। बहुत मुश्किल से कल मिला था, दिन भर मिला मिला के शाम को ही मिला था, और इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं है अभी तक। तो घर में जो है इन्वर्टर वगैरह सब ख़त्म हो चुका है, तो फ़ोन चार्ज करने का भी कोई नहीं, कुछ नहीं है। तो दे आर गोइंग थ्रू अ टफ फेज। तो जस्ट प्रे फॉर देम कि जल्दी से सब ठीक हो जाए, बैक टू नॉर्मल बहुत जल्दी हो जाए, एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, पानी ठीक ठाक मिल जाए, तो मतलब फिर धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो तो चलेगा। तो यही है, तो बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है कैसे, मतलब वी नो दैट साइक्लोन पास कर गया है तो दे ऑल आर सेफ, बट फिर भी अभी पानी नहीं है घर में, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो कैसे। और अचानक से साइक्लोन के बाद भी धूप निकल आया, इतनी की गर्मी हो रही है, तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह रहे हैं। तो यही है, तो जस्ट प्रे कर रही हूँ कि वो सब लोग ठीक हो। बाकी यहाँ पे जो है कल से रमदान स्टार्ट हो रहा है, तो आप सबको मेरी तरफ से रमदान करीम। आपका जो रमदान का महीना है बहुत ही अच्छा जाए। और यहाँ पे जो गल्फ़ में, पूरा गल्फ़ में, दुबई में जो हम लोग रह रहे हैं, 4-5 साल होने को आया लगभग, तो यहाँ पे मतलब इंडिया जैसे इतने सारे त्यौहार तो नहीं होते हैं कि 12 महीने में 13 त्यौहार जो बोलते हैं, उस टाइप का तो नहीं होता है। तो साल में 2-3 ही आता है त्यौहार जो है इनका। तो सबसे बड़ा जो होता है इनका ये रमदान होता है, रमादान, तो ये 1 महीने का होता है। तो यहाँ पे वो लोग जो फास्टिंग, रोजा जो जिसको बोलते हैं, तो रोजा रखते हैं। तो इसकी वजह से जो है मुझे एक्चुअल जो रोजा और रमादान का मतलब जो यहाँ आके पता चला है, क्योंकि पूरा जो महीना होता है इतना उनका, मतलब चारों तरफ उनका लोग कुछ ना कुछ नेक काम करते हैं, पुण्य जिसको बोलते हैं ना, पुण्य काम करते हैं, तो वो दिन भर फास्ट रखते हैं। तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ लोग तो फास्ट रखते हैं, तो इसकी वजह से जो है जैसे वो सुहूर रात के 4 बजे खाते हैं, उसके बाद नहीं खाते, फिर शाम को इफ्तार के टाइम पे करीब 7 बजे के आसपास इफ्तार होता है शाम को, तो उस टाइम तक वो पानी तक नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं। तो इसके वजह से यहाँ पे जो पब्लिक में ना आप खाना खा सकते हो ना आप पानी पी सकते हो, उस टाइम के जो उनका जो रोजा का जो टाइम है उस टाइम में आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर कोई आपको देखेगा जिसका फास्ट है, आप पानी पी रहे हो तो उसको तो ख़राब लगेगा। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा एक उन्होंने रूल बनाया है कि पब्लिक में आप घर में बना के खा सकते हो, या आप ऑफिस में अपने पैंट्री में खा सकते हो, अगर आपके आजू बाजू कोई मुस्लिम नहीं है जो रोजा, जिसने फास्ट रखा है, तो आप वहाँ पे खा सकते हो। और बाहर रेस्टोरेंट में खाना मिलता है, बट आप टेक अवे कर सकते हो, आप रेस्टोरेंट खुला नहीं होता है, आप बैठ के खाना नहीं खा सकते हो। और ऑफिस आवर्स जो है वो कम हो जाते हैं, वो करीब करीब 3-4 बजे तक सबके ऑफिस जो है वो छुट्टी हो जाती है। बट मेरे हस्बैंड का थोड़ा, जैसे मैंने बताया था, थोड़ा काम का प्रेशर अभी है, तो शायद वो फिर भी नॉर्मल मंथ से तो जल्दी थोड़ा वो होगा, बट फिर भी उतना नहीं जितना यहाँ के गवर्नमेंट सेक्टर उसमें होता है। नॉन मुस्लिम्स का तो 3-4 बजे छुट्टी होता है, बट जो मुस्लिम्स है उनका तो और भी जल्दी छुट्टी हो, जिन्होंने फास्ट रखा होता है। और चारों तरफ मतलब शाम को आप देखेंगे इफ्तारी के टाइम पे लोग बिरयानी ऐसे बॉक्स में उनका होता है, कुछ डेट्स और कुछ फ्रूट्स और बिरयानी वो सब बांटते हैं, जैसे 100-200 हज़ार लोगों को एक साथ खाना खिलाते हैं, बांटते हैं। तो मोस्टली जो गरीब लोग हैं उनको तो मतलब ये महीना जो है उनको फ्री में पूरा खाना वाना सब मिलता है, और चारों तरफ ऑफर्स लगे होते हैं सब में, कपड़ों में, इसमें उसमें। तो ये जो
ये जो महीना है मैं साल भर वेट करती हूँ कि कब रमादान आएगा, कब रमादान आएगा। तो अच्छा लगता है ये बहुत, ये वाला मंथ जो है। तो ये आज से शुरू होने वाला था, बट उनका वो मून साइटिंग के ऊपर होता है, तो कल शायद उनका मून साइट नहीं हुआ है, तो आज मोस्टली हो जाएगा, तो कल से वो उनका फास्ट शुरू है। तो इसीलिए मैं सुबह बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड को कल से मैं जैसे भी करके मुझे लंच देना है, क्योंकि बाहर ऐसा कुछ मिलेगा नहीं कि वो बैठ के खा सके, और कार में बैठ के खाने लायक क्या, वही बर्गर टाइप में या बिस्किट वैसा टाइप का कुछ होगा। तो मैं कल से प्रॉपर उनको लंच, मतलब मेक श्योर करूँगी कि मैं उनको लंच दूँ। तो यही है यहाँ की जो लाइफ है, अच्छा लगता है। जो बोलते हैं ना, जिस देश जाओ जैसा देश वैसा भेस, तो अभी यहाँ पे तो वो दुर्गा पूजा वो सब तो पता ही नहीं चलता है। हाँ है यहाँ पे उड़िया इंडियन कम्युनिटी है जो सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बट उतना ग्रैंड नहीं है ना जैसे इंडिया की तरह। तो यहाँ पे जो ग्रैंड से मनाया जाता है वो रमादान है, और रमादान जैसे ही ख़त्म होगा, ईद जो होगा, ईद उल फितर जो होगा, तो उस टाइम पे करीब 3-4 दिन की छुट्टियाँ मिलती है। यही सबसे बड़ी छुट्टी, लंबी छुट्टी जो होती है, एक ये है और एक अगस्त में आता है ईद उल आधा करके, उसमें 3-4 दिन की छुट्टी होती है। तो ये दो मेन त्यौहार हैं इनके, बाकी ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। और तो यहाँ पर जो छुट्टियाँ हैं वो बहुत कम ही है, और मोस्टली जो है वो इस टाइप की जो ईद उल आधा, ईद उल फितर, वो सब फ्राइडे को पड़ता है मोस्टली। मैंने तो 4-5 साल में यही नोटिस किया है कि फ्राइडे पड़ता है। तो यहाँ पे फ्राइडे तो ऑलरेडी छुट्टी है, तो मोस्टली छुट्टियाँ उसी में वीकेंड में ही चली जाती है। तो वीकेंड मिला के और एक दिन, मतलब 3-4 दिन का टोटल वीकेंड मिला के वैसा छुट्टी मिलता है। तो यही है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, सी इज़ इन 7 मंथ ऑफ अवर प्रेगनेंसी, तो उसकी कल गोद भराई है। तो वो लोग पंजाब से हैं, पंजाबी है, मतलब दिल्ली से हैं, बट वो दिल्ली से हैं वो। तो उनका गोद भराई, तो आप लोगों को पता है कि नॉर्थ साइड में गोद भराई एक बड़ा त्यौहार होता है, मतलब बड़ा रिचुअल उनको वो सेलिब्रेट करते हैं। बट वो इंडिया जाने वाली थी इस गोद भराई के लिए, बट उसके डॉक्टर ने मना किया ट्रैवल करने के लिए। तो उसके पेरेंट्स इधर आए हैं, तो वहाँ पे एक छोटी सी एक पार्टी घर पे रखी है कल, तो हमें बुलाया है। तो ऐसे ही मैंने बच्चे के लिए एक थोड़ा सा, जो भी आने वाला बच्चा है उसके लिए एक थोड़ा सा एक गद्दा टाइप का लिया है, जो जिम मैट जो बोलते हैं, मैं ऐसे लगा हुआ है बच्चे खेलने के लिए। और उसकी गोदी में फ्रूट्स देते हैं, तो वही मैं लेने गई थी। ज़्यादा कुछ घर के लिए कुछ नहीं लिया है, बस उसी के लिए ही फ्रूट्स उसकी गोदी में जो देने के लिए गोद भराई में, तो वही लिया है बस। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ सब मार्केट से। टोकरी लेके आई हूँ जिसमें मैं फ्रूट्स भरूँगी, और इसको रैप करने के लिए ये रैपिंग पेपर, और एक ये छोटा सा उसके ऊपर जो लगाने के लिए वो लाई हूँ। फिर यहाँ पर ग्रीन एप्पल लाई हूँ, कुछ पियर्स लाई हूँ, और कुछ ये ग्रेप्स है, दो टाइप के, ब्लैक और ग्रीन वाले हैं। ये कीवी लाई हूँ, फिर ये पाकिस्तानी ऑरेंज, ये बहुत ही मीठा होता है, छोटे छोटे होते हैं उसमें, बहुत बहुत ही मीठा होता है। फिर एप्पल लाई हूँ, कुछ प्लम्स लाई हूँ, कुछ ऐसे ही, और घर के लिए कैबेज लाई हूँ, और थोड़े से बैगन लाई हूँ शाम को बनाने के लिए, शाम को या कल को देखती ही बनाऊँगी। तो ये अभी बच्चे नहीं हैं, तो मैं इसको पैक करके अभी रख देती हूँ। और ये जो बच्चे का मैं बोल रही थी, एक जो जिम मैट टाइप का, ये पैक ऑलरेडी हो चुका है, तो ये मैं लेके आई हूँ। फ्रूट्स तो मैंने रख दिए हैं, बट ये जो रैपिंग पेपर लाई थी ये पूरा का पूरा फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि इसमें से बहुत ही ज़्यादा ये जो स्पार्कलिंग जिंक वो निकल रहा है। तो वो मैं, अगर मैं लगाऊंगी तो खाने में भी वो थोड़े थोड़े, आप देख सकते हैं ये चमक रहे हैं, फल भी चमकने लग गए,
तो बटर मैं इसको नहीं लगाऊंगी, तो मैं शाम को और एक कुछ रैपिंग पेपर लेके आऊंगी, उससे मैं रैप करूंगी। फिश को अच्छे से धो के इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा सॉल्ट, तंदूरी मसाला, देन थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, देन धनिया पाउडर और थोड़ा सा ही मस्टर्ड ऑयल डाल के मैं इसको मैरिनेट करूँगी और फ्रिज में रख दूँगी या फ्रिजर में रख दूँगी, अगर जल्दी बनाना हो तो फ्रिजर में। गैस पे मैंने यहाँ पे राइस बिठा दिया है, मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया है, देन इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा फ्रोजन पीस और भिगे हुए चावल, मैं इसको थोड़ा सा मैंने उसको 1 मिनट करीब रोस्ट किया, देन इसमें जितना चावल उसका डबल पानी देके थोड़ा सा नमक डाल के इसको ढक दिया। देन दाल में तड़का देने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया है और देन थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ। जब तक ऑयल और बटर गरम हो रहे हैं मैं क्या करूँगी, जो अनियन मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है उसको मैं बारीक से चॉप कर दूँगी। ये चॉपर मैं इंडिया से लेके आई थी, ऑनलाइन ही मंगवाया था अमेज़ोन से। जैसे ही तेल गरम हो जाए मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग और 2 तेज पत्ते डाल दिए हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, देन इसमें वो जो बारीक काटे हुए अनियन वो ऐड कर देंगे। अनियन को थोड़ा सा ब्राउन होने तक यहाँ पे भूनेंगे। तब तक मैं क्या करूँगी, मेरे जो टमाटर है मैंने यहाँ पे 2 छोटे टमाटर लिए हैं, उसको हम उसी में ही चॉपर में ही हम इसको चॉप कर देंगे, ये पेस्ट टाइप का बन जाता है। यहाँ पे मेरे जो अनियन है वो ब्राउन हो चुके हैं तो टमाटर मैं ऐड कर रही हूँ। टमाटर ऐड करते ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे ताकि ये जल्दी गल जाए, फिर हम इसको ढक के 1 मिनट करीब पकाने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैं दाल चेक कर रही हूँ, दाल भी अच्छे से बॉईल हो गया है। ये देखिए टमाटर अब मेरे सॉफ्ट हो गए, इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर थोड़ा सा सॉरी धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है, यहाँ पे गरम मसाला और थोड़ा सा जीरा पाउडर। देन इसमें मैं थोड़ा सा आमचूर पाउडर और थोड़े से कसूरी मेथी पाउडर जो है, तो इसको अच्छे से मिला लेंगे हम मसाले को। राइस भी हमारा बिल्कुल ही बन के रेडी है, ये देखिए बिल्कुल ही खिले खिले राइस बनते हैं ऐसे। गैस हम अभी ऑफ कर देंगे, मसाले भी मेरे अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो इसमें हम दाल ऐड कर देंगे और इसको करीब 1 मिनट के आसपास भून लेंगे। दाल हमारे मसालों में अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया है और पानी के हिसाब से थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे, क्योंकि दाल में भी नमक था और मसालों में भी नमक था, तो थोड़ा सा बस पानी के लिए थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको हम ढक के धीमी आंच में पकाएंगे। फिर मैंने एक छोटे पैन में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है और यहाँ पे फिश जो मैरिनेट किया था उसको फ्राई कर रही हूँ, सैलो फ्राई ही करना है बस। ये देखिए दाल मेरा बॉईल होने लग गया था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और बटर ऐड कर दिया है, आपके पास क्रीम हो तो इसी स्टेज पे थोड़ा सा क्रीम ऐड करके और 10 मिनट इसको पकने दीजिएगा।
हनी बनी बैक फ्रॉम स्कूल आके चेंज कर लिया है यूनिफॉर्म और एज यूजल उनको आधा टिफिन तो घर पे आके ख़त्म करना होता है। तो आज वो डोसा खा के गए थे तो मैंने आज और एग नहीं दिया था, बस बिस्किट दिया था, तो बिस्किट एक एक बचा था, अभी आके खा रहे हैं। हाय हनी, गुगू, यू लाइक योर स्कूल? लाइक स्कूल, स्कूल इज गुड। हनी व्हाट आर यू ईटिंग? भोगो, प्रसाद को भोगो भोगो बोल के खाते हैं। यम्मी बनी, इज इट यम्मी? हाँ, खा खाए कार खाए खाए। ओके सो गाइज, इफ यू लाइक टुडेज ब्लॉग प्लीज गिव अ थम्स अप एंड कमेंट, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट फ्यूचर नोटिफिकेशंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। लोगों से बाय बाय बाय।